अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब? होप्स हो कि आप सब खैरियत से होंगे। जी नाज़रीन, तो आज फिर हम हाज़िर आपकी खिदमत में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे मटन और शलजम का सालन। बहुत ही मज़े का बनेगा और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको दिखाते हैं इंग्रेडिएंट्स जो हम इसमें ऐड करेंगे, जो जो चीज़ें इसमें डालेंगे। नाज़रीन, 3 पाव मेरे पास गोश्त है मटन, 1 किलो मेरे पास शलजम थे, कुछ मैं खा गए काटते काटते तो तकरीबन 3 पाव रह गए हैं। धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, लहसुन के जवे और सब्ज़ मिर्च, प्याज मेरे पास कटी हुई, टमाटर मेरे पास कटे हुए, मसाले। नाज़रीन मेरे पास है गरम मसाला और नमक 1 खाने का चम्मच, ये हम एंड पर डालेंगे। उसके अलावा मेरे पास है सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी, सूखा धनिया पिसा हुआ और ज़ीरा पिसा हुआ। नाज़रीन ये हम जो है हंडिया के दरमियान में ऐड करेंगे और नमक जो है वो हम गोश्त के साथ भी ऐड करेंगे। तो नाज़रीन आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, कढ़ाई पे चलते हैं। जी नाज़रीन, कढ़ाई गर्म हो रही है हमारी, इसको थोड़ा गर्म होने में टाइम लगता है। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं पानी, 1.5 किलो पानी हम इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे गोश्त, साथ इसमें डालेंगे प्याज, साथ हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और जवेद लहसुन के, और नाज़रीन थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे। जी नाज़रीन, अब हम गोश्त की गलने का वेट करेंगे। गोश्त आपको पता है मटन है, गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, मेरे हिसाब से तकरीबन 40 मिनट तो ये लेगा गलने में। बाकी हम इसको बीच बीच में चेक करते रहेंगे गोश्त हमारा कितना गला है, तो आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके गोश्त के ऊपर कि ये कितना टाइम लेगा गलने में। तो नाज़रीन अब इसको गलने के लिए छोड़ते हैं, फिर आपको दिखाते हैं साथ साथ। जी नाज़रीन, माशाल्लाह गोश्त हमारा 90% गल गया है, 10% हमने इसे सब्ज़ी के साथ अब गलाना है। नाज़रीन इसको टाइम लगा है 1 घंटे का, 45 मिनट हमने बोला था लेकिन 1 घंटे का टाइम लग गया है क्योंकि हमने इसे हंडिया में गलाया टोटल। अगर आप प्रेशर कुकर में गलाते हैं तो तकरीबन आपके 10 से 12 मिनट में ये गल जाएगा, लेकिन हंडिया में ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगता है। शामिल करते हैं इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। अब इसमें नाज़रीन हम ऐड करेंगे सारे मसाले एक साथ, जो एंड पे ऐड करने थे वो मैंने आपको बताए हुए हैं, वो हम एंड पे ही ऐड करेंगे। नाज़रीन अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे शलजम, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे और तकरीबन 10 मिनट अब हम इसको भूनेंगे। फ्लेम हमने थोड़ी सी तेज रखी है। नाज़रीन आपसे 10 मिनट बाद। जी नाज़रीन, तकरीबन 7 मिनट हो गए हमें इसे भूनते हुए। अब हम इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमें शलजम जो है थोड़े से रस्म से घुले हुए चाहिए। इस तरह से अगर आपने घुलाने नहीं है ज़्यादा तो आप इसमें पानी का इस्तेमाल ना करें और आप इसको ऐसे ही गलाएं।
जी नाज़रीन, माशाल्लाह सालन हमारा काफ़ी तक तैयार हो गया है। अब इसमें हम एंड ऐड करेंगे एंड वाले मसाले, नमक और गरम मसाला हम इसमें ऐड करते हैं। तकरीबन एक मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे नाज़रीन, फिर आपसे मिलते हैं दस्तरखान पे। नाज़रीन अब हम इसमें ऐड करते हैं धनिया, नाज़रीन अब हम आपसे मिलते हैं दस्तरखान पे। जी नाज़रीन माशाल्लाह हमारा गोश्त और शलजम रेडी हो गया सालन, ज़बरदस्त नाज़रीन बहुत मज़े का बना है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके लाजमी बताया करें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नाज़रीन अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो टाइम से मिल सके। नाज़रीन इसी वीडियो के साथ हम आपसे जा चाहते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, सीमा नीला।